गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर पर आकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ चुके थे, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दें, क्वेश्चन क्या लिखा गया है? क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्ष लंब की लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर एवं 1.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर समझेंगे डायग्राम को। एक त्रिभुज है, ठीक है, क्या है त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्ष लंब। आधार क्या है? देखिए यह आपका आधार है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये शीर्ष A हो गया, शीर्ष B हो गया और शीर्ष C हो गया, ठीक है। आगे हो जाएगा A, B और C, यानी जो भुजा BC है ये क्या है? आधार है, ठीक है। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजाएं, ठीक है, और 3 कोण होते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C, और 3 भुजा, भुजा AB, भुजा BC, भुजा CE, और 3 कोण, कोण A, कोण B और कोण C, ठीक है। बारीक त्रिभुज के प्रत्येक अंतर परिमाण कितना होता है? 60 डिग्री होता है और इनके तीनों गुणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। इतना बात आप लोगों को अरे याद होना चाहिए। तो इसमें आपको दिया है कि त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्ष लंब की लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर, यानी क्या है आधार कितना है कि यह कर दिया है आधार बीसी जो दिया था यह कर दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और लिखा है आधार आधार पर शीर्ष लंब की लंबाई कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर है। ये क्या है? शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब क्या होता है कि इस त्रिभुज के दो बराबर भागों में डिवाइड करे जो भुजा उसे हम क्या कहते हैं जी? शीर्ष लंब कहते हैं। यानी ये क्या है, मान लीजिए ए बी सी हो गया, हम डी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, तो एडी क्या है कि एडी अपना शीर्ष लंब है, ठीक है। अब इसका दिया, इसका दिया हुआ है कितना जी? 1.5 सेंटीमीटर दिया, इसका लंबाई शीर्ष लंब का जी 1.5 सेंटीमीटर, क्या है शीर्ष लंब है। और एडी क्या है? शीर्ष लंब है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब शीर्ष लंब जो खींचा गया एडी, अब इसमें दो बराबर त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए डी बी। तो आप लोग मालूम होना चाहिए एक त्रिभुज में शीर्ष लंब खींचने के बाद दो समान त्रिभुज बनते हैं और इन दोनों समान त्रिभुजों में जो शीर्ष लंब होता है एडी, वो दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है, यानी दोनों त्रिभुज में ये भुजा का काम करता है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज ए डी बी, सॉरी ए डी सी और त्रिभुज ए डी बी, तो जो ए डी जो है भुजा है ये क्या है जी? ए डी सी में भी कॉमन है और ए डी बी में भी कॉमन है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी सी बराबर त्रिभुज ए डी बी आपस में इक्वल है, ठीक है। चलिए हम आपको पढ़ेंगे इसके हल की तरफ। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का, त्रिभुज का आधार बराबर कितना दिया है जी? 2 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर, शीर्ष लंब बराबर कितना दिया? 1.5
5 सेंटीमीटर, कितना भी 1.5 सेंटीमीटर 6 लॉन्ग। अब पूछा गया इसका एरिया, तो इसका एरिया किसे कहते हैं जी, जो इसके आंतरिक जो भाग है, ठीक है, ये जो इसका भाग है आंतरिक, इसे हम क्या करेंगे, इसे कहेंगे इसका एरिया ही क्षेत्रफल। यही हम इसके बाहर बाहर घूमेंगे इसके इर्द गिर्द, तो इसे हम कहेंगे इसका परिमाप, यानी त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। इसके बाहर बाहर हम घूमेंगे इसके बाउंड्री लाइन पे, तो इसे हम कहेंगे इस त्रिभुज का परिमाप। जैसे हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो ये इसको हम कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये सभी बेसिक बातें हमको जानना आवश्यक है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मतलब होता है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एक बटा दो गुणे आधार गुणे 6 लॉन्ग, 1/2 इंटू आधार, लिखते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू 6 लॉन्ग। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसका नाम भरेंगे 1/2 इंटू आधार कितना है 2 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 6 लॉन्ग कितना है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब यहां देखेंगे ये फॉर्मूला का इसको मान भर दिया गया है, आप इसको कटाएंगे तो 2 से 2 कर सकता है, 1 में 2 एकम 2 और 1.5 एकम 1.5, यानी 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही क्षेत्रफल होगा। क्या जी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका क्षेत्रफल होगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ चुके होंगे अच्छी तरह से, इसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चन कंप्लीट से आप अपने अनुसार बनाने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन चाहे वाले जो क्वेश्चन उसे समझने में आपको और आसानी होगी, जबकि कोई भी क्वेश्चन हो मैथ का उसे आप लोग एक बार में नहीं समझ सकते हैं। तो शुरू है कि आप इस क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए, इसके बाद उसको अपने अनुसार आप कभी को हल कीजिए, और जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां वीडियो को देखिए और समझिए, फिर आप लोग आगे हल कीजिए। ऐसे आप करेंगे तो आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स आपको अच्छे से अच्छे पास आने की संभावना रहेगी। तो मिलते हैं आपके यहाँ वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।